दोस्तों, कानूनी रूप से जनता की सेवा करने की, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जब भी कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस उस अपराध को लेकर FIR दर्ज करे और अपराधियों पर उचित कार्रवाई करके कोर्ट में चालान पेश करे। किसी भी अपराध में एक पक्ष अभियुक्त होता है और दूसरा पक्ष होता है शिकायतकर्ता। कभी कभी ये देखने में आता है कि बल्कि आजकल तो ऐसे हाल हो रखे हैं कि पहली बात तो पुलिस FIR दर्ज करेगी नहीं, और अगर पुलिस FIR दर्ज कर लेती है तो अक्सर अपराधी को ही बचाने में जुड़ जाती है और उल्टी सीधी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगा देती है। कई सारे केसेस में तो इन्वेस्टिगेशन करके खानापूर्ति कर दी जाती है, लेकिन कोर्ट में चालान पेश नहीं किया जाता। बाद में पता चलता है कि अब पुलिस ने तो अपराधियों को क्लीन चिट देते हुए सीधी क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट ही फाइनल कर दी, पेश कर दी। अक्सर ऐसी सिचुएशन में शिकायतकर्ता व्यथित हो जाता है, तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि शिकायतकर्ता ही अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है और उसके साथ घटने वाले किसी भी अपराध की जानकारी पुलिस को दी जाती है और पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही पुलिस FIR दर्ज करती है और बाद में उस FIR की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। हालांकि पुलिस के पास अधिकार होता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में जिन व्यक्तियों के नाम पर FIR दर्ज की गई थी, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ किसी अपराध में शामिल होने का कोई सबूत ना मिले, उसे अदालत में आरोपी बनाकर पेश नहीं किया जाता है, बल्कि पुलिस द्वारा ये बताया जाता है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी उनका अपराध में कोई भाग नहीं है, कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है, यानी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे कि उन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173/3 के तहत चालान पेश किया जा सके। कभी कभी आरोपियों के नहीं मिलने पर भी पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। दोस्तों, अगर किसी पीड़ित या शिकायतकर्ता को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है या पुलिस ही अपराधियों के साथ मिल गई है, तो ऐसी सिचुएशन में भारतीय कानून ने शिकायतकर्ता को भी कुछ अधिकार दिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे खास लीगल स्टेप्स जिनके तहत शिकायतकर्ता अपनी ओर से कुछ ऐसे कानूनी कदम उठा सकता है जिससे जिन व्यक्तियों पर FIR दर्ज की गई है उन पर मुकदमा चलाया जा सके और उन्हें सजा दिलवाई जा सके। दोस्तों, ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता के पास ऑप्शन होती है प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने की। प्रोटेस्ट पिटीशन एक प्रकार की विरोध याचिका होती है जिसमें शिकायतकर्ता अपना विरोध दर्ज करवाता है। दंड प्रक्रिया संहिता ने एक मजिस्ट्रेट को पुलिस से अधिक शक्तिशाली बनाया है और IPC यानी इंडियन पिनल कोड में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां पर पुलिस की मनमर्जी चल पाना लगभग नामुमकिन होता है, असंभव होता है। अगर कोई शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है और उसको लगता है कि उसके साथ पुलिस अन्याय कर रही है, तो ऐसे में जिस कोर्ट में पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट फाइल की है, पेश की है, उसी कोर्ट में शिकायतकर्ता प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकता है। प्रोटेस्ट पिटीशन में शिकायतकर्ता कोर्ट की जानकारी के लिए एक FIR की कॉपी लगाएगा, जो उसके पास सबूत हैं शिकायतकर्ता के पास, उनकी जानकारी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो छेड़छाड़ की है, जो चूक की है, उसकी पूरी जानकारी लिखकर माननीय कोर्ट के सामने पेश करना होता है। ऐसे केस में कोर्ट जानकारी मिलने के कई तरह की कार्रवाई कर सकती है और इसके संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए एक बार जान लेते हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन के मामले में मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं और क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अगर किसी मामले में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है और उसके बाद अगर शिकायतकर्ता प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करता है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को एक नोटिस जारी करता है और जानकारी दी जाती है उस नोटिस के माध्यम से कि जिस प्रकरण में आपके द्वारा FIR दर्ज की गई है या करवाई गई है, उस प्रकरण में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है। जिन लोगों के नाम पर FIR दर्ज की गई थी, उन लोगों को मामले में आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। यदि आपको इस बात पर कोई आपत्ति है तो कोर्ट में पेश होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं और अपनी बात रखें। अगर शिकायतकर्ता को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है और अपना आदेश पारित देता है। लेकिन अगर शिकायतकर्ता कोई आपत्ति दर्ज करवाता है, तो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अधीन उस पूरे मामले का संज्ञान लेता है। सेक्शन 190 के तहत मजिस्ट्रेट संज्ञान लेकर आरोपियों के विरुद्ध वारंट जारी कर सकता है, पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है और मामले में दोबारा से जांच भी बैठा सकता है। इस जांच में देखा जाता है कि पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, फाइल की है, क्या वो न्याय के बिंदु पर सही है या फिर इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कोई चूक
की गई है। जांच में यह भी देखा जाता है कि कहीं जानबूझकर आरोपियों को बचाया तो नहीं गया है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट पुलिस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने और चालान पेश करने के निर्देश दे सकता है। मजिस्ट्रेट की जांच में अगर पाया जाता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कोई चूक की है तो पुलिस अधिकारियों को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। ऐसे में मजिस्ट्रेट गवाहों को खुद बुलाकर उनके बयान दर्ज कर सकता है। दोस्तों, अगर किसी मामले की क्लोजर रिपोर्ट पेश हो गई है और उस पर प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किया गया है तो ऐसे में मजिस्ट्रेट खुद गवाहों को बुलाकर उनके बयान दर्ज कर सकता है और ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट बयानों के बयान लेता है और पूरी गहराई तक उन बयानों में जाकर देखता है कि कहीं कोई झोल तो नहीं किया गया है। अगर पुलिस ने सेक्शन 161 के बयानों में किसी प्रकार की कोई चूक की है तो मजिस्ट्रेट उन बयानों को देने वाले गवाहों को बुलाकर अपने सामने बयान दर्ज करवा सकता है। हालांकि ऐसे बयान इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिए गए बयान नहीं माने जाते, लेकिन इन बयानों के आधार पर मजिस्ट्रेट पुलिस को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है। आमतौर पर मजिस्ट्रेट सभी मामलों में क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कर चालान पेश करने का निर्देश देता है। अनेक ऐसे मामले होते हैं जहां पर झूठी FIR दर्ज करवाई जाती है। ऐसे में मजिस्ट्रेट मामले की तह तक जाकर हर तरह की सिचुएशन देख कर समझ कर ही क्लोजर रिपोर्ट जो है वो स्वीकार करता है, लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन आने के बाद मामले में जांच करने के बाद अपना कोई निर्णय दे सकता है। दोस्तों, हमारे कानून में हर हाल में प्रत्येक पीड़ित को न्याय देने की पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे शिकायतकर्ता पीड़ित इस पुलिसिया खेल में उलझकर रह जाते हैं और अन्याय का शिकार हो जाते हैं। देश का कानून प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करने के लिए बना है। बस आपको पता होना चाहिए कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में, किस सिचुएशन में कौन सा कदम आपको उठाना है। नमस्कार।